जय जिनेंद्र, मैं गौरव जैन दिल्ली से। आज हम मानी तुम्हें की यात्रा पर आए हुए हैं और आज 12 अप्रैल 2017 का बड़ा ही शुभ पूर्णमासी का दिन है। अभी हम मानी पर्वत पे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अद्भुत एवं विचित्र दिगंबर जैन प्रतिमा है मुनिराज बलदेव की, जो कृष्ण जी के भाई थे और जो नेमनाथ भगवान के समय काल में हुए हैं। और बताते हैं, जैसा कि इस पत्थर पर भी लिखा हुआ है कि बलदेव मुनिराज जब उन्होंने दिगंबर जैन अवस्था प्राप्त करी वैराग्य पश्चात, उसके बाद उन्होंने जब तपस्या प्रारंभ किया ऋषि के मंडल के साथ, इतने अद्भुत इतने सुंदर थे कि उनको देखकर गांव की महिलाएं पूजा करने के बाद भी आकर्षित हो जाती थी। जैसा कि इस प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है कि जब वो एक बार तपस्या में व्यस्त थे, तभी गांव की कुछ महिलाएं मुनिराज को देखने में इतना तल्लीन हो गई कि गांव के अपने छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चों को ही वह बाल्टी समझकर उनसे ही कले में रस्सी डालकर पानी भरने लगी। तो ये देखकर मुनिराज को इतना अंतराय आया कि उन्होंने गांव की तरफ मुख करा ही नहीं और दीवार की तरफ पहाड़ की तरफ पीठ कर ली और उसके बाद तपस्या प्रारंभ कर दिया कि मुझे देखकर यदि जाने अनजाने में भी अगर हिंसा होती है तो मैं अपना इतना सुंदर मुख जनता को क्यों दिखाऊं। तो ऐसी ही प्रतिमा एकमात्र प्रतिमा पूरे विश्व में मिलती है दिगंबर मुनि अवस्था की, जिसमें पीठ के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आज हम वास्तुविद विख्यात वास्तुविद विवेक जैन वास्तु शास्त्री जो दिल्ली में है उनके साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर पुण्य वर्णाओं का और भूमि का अपनी जर्मनी द्वारा मशीन द्वारा यहाँ पे आप सबके सामने चेक करेंगे कि ऐसे सिद्ध क्षेत्र की कितनी पुण्य वर्णाएं हैं, कितना ऊर्जा है, कितना सकारात्मक ऊर्जा है। देखिए, अब हम देते हैं कैमरा वास्तुविद विवेक जैन शास्त्री जी की। तो देखिए, ऊपर लिखा भी है बलभद्र स्वामी जो बलदेव थे और ये चतुर्थकालीन प्रतिमा है और यहाँ पर करोड़ों अन्य मुनिराज वहां से मोक्ष गए हैं, जिनमें भगवान राम, हनुमान, सुग्रीव, बाली, नील आदि प्रमुख है। आप सभी को जय हिंद। आज हमारे यहाँ मानी तुंगी के इस दिव्य पर्वत जहाँ से बलभद्र स्वामी भगवान ने तपस्या की है और आगे चलकर मोक्ष जाने वाले हैं, गौरव जी के माध्यम से आपने इनके बारे में सुना होगा। तो मेरा नाम है विवेक जैन वास्तुदेव। हम आज आए हैं आपके साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ जर्मनी की इस मशीन से, जो पहाड़ों, चट्टानों एवं भूमि की एनर्जी चेक करती है और बताती है कि भूमि किस प्रकार की है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है। उस हिसाब से हम देखेंगे कि आज बलभद्र स्वामी की इस पहाड़ पर जहाँ से इन्होंने तपस्या की है तो कैसी एनर्जी है इनकी, अब चेक करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि मशीन बहुत तेजी से घूम रही है, पंखे की भांति घूम रही है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत नहीं, बहुत बहुत अच्छी है। यदि आप ऐसे एनर्जी के वातावरण में आएंगे और आप ध्यान वगैरह लगाएंगे तो निश्चित से ही आपको ध्यान में प्रवेश मिलेगा और आप निश्चित से ही अपने कर्मों की निर्णय कर पाएंगे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर आए और दर्शन करें और अपने कर्मों की निर्णय करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बगल में मुनि देव कीर्ति जी है, देवेंद्र कीर्ति जी जो मुनिराज है जिन्होंने यहाँ से तपस्या की है। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दूसरे मुनिराज भी है जिन्होंने यहाँ से साथ में तपस्या की है, शायद इनके शिष्य होंगे लग रहा है। अब हम यहाँ के और यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ रहे हैं कि लिखा है कि 99 करोड़ दिगंबर मुनिराज यहाँ से तपस्या की है और मोक्ष को प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं यहाँ का एनर्जी लेवल कैसा है। जैसा कि आपने पहले देखा कि यहाँ की एनर्जी लेवल, इस पूरे पहाड़ की एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप लोग यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र, जय।